हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंथ चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक में बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फिटिंग के सामान के बारे में बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फिटिंग में जो सामान यूज़ होता है उसका क्या प्राइस है। तो वीडियो बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत ख़ास। उसमें मैं आपको होलसेल प्राइस भी बताऊँगा कि क्या रेट में होलसेल में मिलती है मार्केट में। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद जरूर आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही आपको अपडेट देते रहूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात की जाए लाइट फिटिंग में। फ्रेंड्स, तो लाइट फिटिंग में सबसे पहले यूज़ होने वाली ये है कि स्लैब में जो पाइप यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक फिटिंग का सबसे स्टार्टिंग का पॉइंट जो है स्लैब फिटिंग में जो पाइप बिछाया जाता है, तो वो पाइप क्या रेट का आता है और कौन कितने एमएम का प्राइस रहता है और एमएम कितना रहता है और प्राइस क्या रहता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलते हैं, आपको दिखाता हूँ कि क्या रेट का है पाइप और क्वालिटी कैसी रहती है स्लैब के पाइप की और दीवार में जो लगने वाला पाइप उसमें क्या अंतर है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, स्लैब में यूज़ होने वाला पाइप आप देख सकते हैं सामने रखे हुए हैं। इसमें आपको पास से दिखाता हूँ, ये जो पाइप है ये 2 mm पाइप है। 2 mm पाइप ये दीवार के लिए 1.5 mm का, 1.5 mm ये हैवी क्वालिटी में है, ये 3 mm का पाइप है। ये दबेगा नहीं, इसमें खड़े भी हो जाएंगे इसके ऊपर स्लैब वाले तो ये टूटता नहीं है, इसकी खासियत ये है। इसलिए स्लैब में सबसे ज़्यादा यूज़ 3 mm का पाइप ही करना चाहिए, 2 mm से लेके 3 mm। जितनी बेस्ट क्वालिटी की रहेगी पाइप उतना अच्छा रहेगा, ताकि वो ब्रेक ना हो, लाइन टूटे ना स्लैब के समय। बात की जाए इनके प्राइस की, तो प्राइस में आपको बताऊँ होलसेल प्राइस में 1.5 mm पाइप जो कि दीवार में लगता है, तो वो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था 40, 38, 45 के बीच क्वालिटी के हिसाब से आता है। बात की जाए 2 mm, 2 mm का पाइप 43-4 से लेके 55 तक के क्वालिटी के ऊपर रेंज है। अभी रेट तेज है तो बढ़ गया है रेट, नहीं तो इससे पहले ये 45 रुपीस के आसपास आ रहा था आज के साल भर पहले, लेकिन आज स्थिति कुछ और है और रेट में बहुत वृद्धि हो गई है। अब ये जो 3 mm का पाइप जो है काफ़ी हैवी पाइप है, क्राउन के नाम से आता है और बहुत से ब्रांड भी आते हैं, श्रीनाथ हुआ, सूर्या हुआ, ऐसे बहुत से आते हैं नाम से। तो 3 mm का जो है वो 65 से लेके 72-70 तक आपको मार्केट होलसेल मार्केट में अच्छी क्वालिटी का पाइप मिल जाएगा, जो कि रिटेल में 90 रुपये करीब सेल होता है। तो ये था पाइप फर्स्ट यूज़ होने वाला। उसके बाद लगती है एक डीप बॉक्स। अब मैं आपको डीप बॉक्स दिखाता हूँ, डीप बॉक्स किस टाइप की रहती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं बिरला कंपनी की डीप बॉक्स है, ये डिप्पी आती है, देख सकते हैं आप। ये स्लैब में लगने वाली डीप बॉक्स है, इसे बहुत लोग जैक्सन बॉक्स भी बोलते हैं। ये डीप बॉक्स है ब्लैक कलर की, क्योंकि इसकी ये जो लंबाई देख सकते हैं आप ज़्यादा रहती है जैक्सन बॉक्स की अपेक्षा। तो ये जो 6 पीस का पैकेट है ये पर पीस आपको पड़ जाता है 70 रुपीस के, 6.5 से 70 रुपीस के पास आपको होलसेल मार्केट में ये मिल जाएगा, 40-42 रुपये का ये पूरा पैकेट आता है, वही लगभग 6.5 और 7 रुपीस के आसपास पर पीस ये पड़ता है। तो ये यूज़ होता है स्लैब में। फैन बॉक्स भी लगाए जाते हैं, तो फैन बॉक्स
वो भी आपको 35-38 के रुपीस पर पीस में मिल जाएगा। तो ये था स्लैब का। उसके बाद स्लैब होने के बाद जो दीवार में लगते हैं जक्सन बॉक्स, पाइप कट तो मैंने 1.5 mm का आपको बता दिया है, वो भी यूज़ होता है दीवार में। ये जक्सन बॉक्स आता है, 10 पीस का पैक है ये, 60 से 65 रुपीस का पैकेट है, 10 पीस का। आप लगा सकते हैं अंदाज क्या पर पीस पड़ा। ये रिटेल में 10 रुपीस के आसपास बिक जाता है। और यूज़ होने वाली चीज़ आपको मैं बताता हूँ, ये है बैंड। तो जो बैंड है ये भी समथिंग आपको, ये 12 पीस की पैकिंग है, 70 रुपीज़, 68 रुपीज़ पड़ जाता है। क्वालिटी क्वालिटी के ऊपर डिफरेंस रहता है रेट का। तो ये जो है ये यूज़ होता है दीवार के लिए, और स्लैब में भी यूज़ होता है। इससे हैवी क्वालिटी वाला स्लैब में यूज़ होता है वो, इससे 1 या 1.5 रुपये, 2 रुपये अंतर स्लैब वाले बैंड में देखने को मिलता है। तो 65-70 रुपीज़ के बॉक्स 12 पीस का ये आपको होलसेल मार्केट में मिल जाएगा। उसके बाद यूज़ होने वाली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वॉल में ये मेटल बोर्ड, ये 12 मॉडलर का मेटल बोर्ड है, देख सकते हैं आप। इसमें क्वालिटी मिलेगी आपको कि ये जो मोटाई है MM के हिसाब से मिलता है, 0.8, 0, फिर 1.1, 1.2 MM के हिसाब से। जितनी हैवी भी बोर्ड लेंगे आप उतना डिफरेंस रेट में दिखने को मिलेगा। बात करूँ मैं 1 MM की, तो अच्छी क्वालिटी का 1 MM का मेटल बोर्ड 12 की बात की जाए तो ये आपको पड़ जाएगा लगभग, पर पीस की बताऊँ तो मैं होलसेल मार्केट में, ये पड़ जाएगा आपको 58-60 रुपीज़ के समथिंग, बेस्ट क्वालिटी में। उससे हल्की क्वालिटी लेंगे तो आपको और उसमें 8-10 रुपये का डिफरेंस पर पीस में मिलेगा। ये होलसेल मार्केट की बात की जाए, अभी हालांकि प्राइस में बहुत इजाफा हो गया। इसी प्रकार से 8 MM पर पीस ये पैकिंग आती है, 10 पीस, 5 पीस, 8 पीस, इस टाइप की पैकिंग भी मिलती है मार्केट में। तो ये बॉक्स ही आता है ना, ये आपको मिल जाएगा अच्छी क्वालिटी का 43-45 के आसपास, 1.2 या 1 MM का मेटल बोर्ड। तो ये है लाइट फिटिंग में यूज़ होने वाले बेसिक आइटम जिसका रेट मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको रेट के बारे में पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उन सामानों का भी आपको होलसेल रेट दे दूँगा। तो ये था इलेक्ट्रिक बोर्ड में पाइपिंग और जंक्शन बॉक्स कॉमन चीज़। उसके बाद आ जाती है इसमें वायरिंग। तो वायरिंग तो आपको कई क्वालिटी की मिल जाएगी, वो अलग अलग डिफरेंस रहता है रेट में। उसके बाद स्विच सॉकेट लगते हैं, मॉडुलर स्विच सॉकेट आजकल चल रहे हैं, ये कुछ 6 एम्पियर का, ये 16 एम्पियर, ये भी कंपनी रेगुलेटर मिल जाएगा, मॉडुलर रेगुलेटर अच्छी कंपनी का 65 होलसेल मार्केट में 60-65-70 तक अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। लोकल क्वालिटी की आप लेंगे तो वो 35-38 करीब मिल जाता है। स्विच की बात करें अच्छी क्वालिटी की 150 के आसपास मिल जाएगी आपको। और अच्छी क्वालिटी की आप लेते हैं तो 20 रुपीज़ के, 22 रुपीज़ के आसपास पर पीस मिल जाएगा। सॉकेट की बात की जाए 6 एम्पियर की, ये 6 एम्पियर की जो सॉकेट है वो मार्केट में आपको मिल जाएगी। होलसेल रेट की बात करूँ तो 60 ये पड़ जाएगी आपको 25-26 के आसपास होलसेल में अच्छी क्वालिटी की। 16 एम्पियर की बात की जाए तो ये 50-52 रुपीज़ होलसेल में मिल जाती है। उसके बाद आती है प्लेटें, तो मैं आपको प्लेटों के बारे में दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये 6 मॉडुलर की प्लेट है। प्लेटें इसमें साइज की 2x साइज मिलती है, 12, 6, 8, ये देख सकते हैं आप, अच्छी क्वालिटी की है।
मॉडुलर प्लेट, ये आपको 60 रुपीज़ के आसपास होलसेल में अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी। उससे लो क्वालिटी में और 8-10 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। ऐसे पर पीस 12 का आप लेना चाहें, 12 आपको 70 रुपीज़ के, 75 रुपीज़ के आसपास अच्छी क्वालिटी की पर पीस बता दूँ आपको प्लेटें मिल जाएगी आपको। और सामानों की प्राइस जानना हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका रेट बता दूँगा कि होलसेल रेट में क्या रेट मिलता है। तो जो भाई ये शॉप खोल रहे हैं या उनकी ऑलरेडी शॉप है और वो प्राइस जानना चाहते हैं होलसेल प्राइस, तो मैसेज कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। 6 मॉडुलर इसी तरीके से 12, 4, 8 ऐसे 3 सब प्लेटें मिल जाती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। यदि रेट आपको और कोई प्राइस सामान के जानना है, कोई प्रोडक्ट के रेट जानना है तो उसके लिए मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नॉलेज के साथ। जब तक कि सभी दोस्तों को जय हिंद।